आज ही हम हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और इनके आने से बहुत मजबूती मिलेगी। राज सिंह जी का नाम पूरे हरियाणा के अंदर कौन नहीं जानता, इनकी अपनी एक साख है, इनकी अपनी एक पहचान है और इनकी अपनी एक तपस्या है। तो आज नरेंद्र जी ज्वाइनिंग तो मेरे ख्याल हो चुकी होगी, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है वो तो हो गई। तो हम तो अपना इनकी अपनी एक साख है, इनकी अपनी एक पहचान है, उनको कोई निकाल नहीं जानता। और नरेंद्र भी एक नौजवान के रूप में इन्होंने जिला पार्षद के रूप में और एक लंबे समय इनेलो में एक सबसे प्रमुख युवा नेता के रूप में अपनी एक पहचान बनाई है। आज इनेलो में युवा नेताओं में प्रथम श्रेणी में इनकी गिनती है प्रदेश में। तो ऐसे में ये पूरी टीम जो आज आई है, राज सिंह जी और नरेंद्र जी, उनके आने से हमें बहुत मजबूती मिलेगी। आदमपुर चुनाव में बड़ी मजबूती मिलेगी क्योंकि यहाँ ये भी इनकी कर्मभूमि रही है। नमस्कार, मैं हूँ प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिसार में और आज इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता राज सिंह गागड़वास, जिन्होंने लोहारू से पिछला 2019 वाला विधानसभा चुनाव लड़ा, आज भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा है। हम उनसे चर्चा करते हैं। राज सिंह, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से पहले आप इंडियन नेशनल लोकदल में थे और आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, क्या कोई बड़ी नाराजगी इंडियन नेशनल लोकदल से थी या कांग्रेस की तरफ क्यों जा रहे हैं? नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल से कोई नाराजगी नहीं थी जी। अभय सिंह जी मेरे मित्र हैं, आज भी मित्र हैं और एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमने वक्त के हिसाब से बदलना पड़ा जी। आज देश को जरूरत है बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष की और वो विपक्ष है कांग्रेस। आज पूरा देश कांग्रेस की तरफ नज़रें उठाए बैठा है। राहुल जी जो आज पैदल यात्रा में देश में निकले हैं, तो इसका एक बड़ा ज़बरदस्त तूफान आएगा और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हुई और हमने ये फैसला किया कि हरियाणा के किसान की मजदूर की आवाज़ अगर उठा सकते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी के और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में उठा सकते हैं। विपक्ष तो अभय सिंह चौटाला है, वो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, विधानसभा में बोलते हैं, क्या अभय सिंह जी के बारे में कोई प्रश्न ना पूछो तो अच्छा रहे, वो मेरे उनके बारे में कुछ कह नहीं पाऊँगा और वो बहुत आदरणीय हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में अब जो अगला जो सरकार है वो कांग्रेस की है और बीजेपी का मात दे सकती है तो कांग्रेस दे सकती है। और कोई आपके रिश्तेदार धर्मवीर जी हैं और निडी रिश्तेदार हैं, वो बीजेपी में सांसद हैं, आप कांग्रेस में हैं। धर्मवीर जी का अपना राजनीतिक स्थितिव है, वो तो बहुत पुराने 25 साल से लगातार राजनीतिक में छक्के लगा रहे हैं। धर्मवीर जी का अलग रास्ता है, मेरा अलग रास्ता है। धर्मवीर जी मेरे आदरणीय हैं और उनकी अपना अपना नज़रिया है, मेरा नज़रिया अलग है। आगे क्या कुछ कोई कंडीशन पे शामिल हुए हैं बिना आगे चुनाव लड़ने का? कोई कंडीशन नहीं है जी। हम पार्टी की मदद करेंगे जी। पार्टी के साथ हैं और पार्टी जो आदेश देगी उसकी पालना करेंगे। टिकट के लिए नहीं आए, पार्टी की सेवा और देश के किसान की, मजदूर की और नौजवान की आवाज़ उठाने के लिए हम इस पार्टी में आए। आदमपुर में भी जुटेंगे? हाँ, मेरी आदमपुर में ड्यूटी लगी हुई है, बालसमंद में और बुढ़ाक में, दो चार गाँव में ड्यूटी है। हम अपनी ड्यूटी को अच्छे तरह निभाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू आपका। तो ये थे हमारे साथ राज सिंह गागड़वास, लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।